डाउनलोड करें लर्नो ट्रेड ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि एक वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप है जहां पर आपको वर्चुअल मनी दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे आप इक्विटी, कैश, फ्यूचर ऑप्शन, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। नमस्कार दोस्तों, आज जो शेयर आप खरीदने वाले हैं वो हर शेयर का बाप है, बोले तो इससे ज्यादा रिटर्न और किसी भी कंपनी में मिल नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, कंपनी ने जो ब्रेकिंग न्यूज शेयर मार्केट को दी है वो इतनी बड़ी खबर है कि शेयर मार्केट में हल्ला मचा हुआ है। कंपनी का नाम है अर्नो फैशन लिमिटेड, शॉर्ट नेम है AARNAV व शॉर्ट कोड है BSE का 539562। कंपनी ने एक रिजोल्यूशन पास करके BSE में नोटिफाई किया है कि कंपनी एक बहुत बड़ा मर्जर व एक्विजिशन करने जा रही है, जिसके बाद गोपी सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड, अर्नो सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड, अर्नो टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, गोपी सिंथेटिक प्राइवेट लिमिटेड, सैम्बोलिक फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड व अंकुर मोटर और जनरल फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये सभी कंपनी अगले महीने से अर्नो फैशन के ही नाम से जानी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस मर्जर के बाद इस शेयर का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप इसे BSE के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इस कंपनी की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इस मर्जर और एक्विजिशन के बाद जहां इस कंपनी का मार्केट कैप 108 करोड़ से बढ़कर लगभग 850 करोड़ हो जाएगा और कंपनी का टर्नओवर भी 32 करोड़ से बढ़कर लगभग 750 करोड़ और प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़कर लगभग 75 करोड़ तक हो जाएगा। दोस्तों, इतनी बड़ी उछाल एक लंबे समय में बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं मार पाती, इसलिए आप सोचिए इस स्मॉल कैप कंपनी में इतनी बड़ी उछाल आएगी तो शेयर प्राइस कितना तेजी से ऊपर जाएगी। दोस्तों, एक बात बता दूं, ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली बहुत ही प्रॉफिट देने वाली कंपनी है। यही बड़ी वजह है ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। वहीं कंपनी की बाकी फंडामेंटल पे गौर करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मजे की बात ये है कि इस मर्जर के बाद कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग में भारी इजाफा होगा और ये बढ़कर 75% हो जाएगा, जिसके बाद इतना स्ट्रांग बिजनेस के ऐड होने के चलते हर म्यूचुअल फंड और FII के लिए ये ड्रीम स्टॉक साबित होने वाला है। आपको बता दूं, कंपनी के शेयर की मौजूद कीमत लगभग 115 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, यही 115 का शेयर भारी मुनाफा दिलाने वाला है। जाहिर सी बात है, जब कंपनी का मार्केट कैप के साथ साथ प्रॉफिट और सेल्स यानी सब कुछ 15 से 20 गुना होने वाला है तो ये शेयर भी अपना कमाल तो दिखाएगा ही। ऐसे में 115 रुपए का ये शेयर अगले 3 महीने में 115 से बढ़कर 500 रुपये होने वाला है। वहीं एक साल की बात करें तो ये शेयर की टारगेट अगले एक साल में 2000 तक हो जाएगा। चलिए अब कंपनी के चार्ट के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, चार्ट पर शेयर रोज नए हाई बना रहा है। गौर करने वाली बात तो यह है कि शेयर पिछले एक साल से नए निवेशकों को मालामाल कर दिया है। ऐसे में स्टॉक लगातार अपने सभी मूविंग एवरेज को ऊपर ही काम कर रहा है। स्टॉक का RSI और MACD और कई बड़े इंडिकेटर लगातार स्टॉक को बुलिश मोड में बता रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल सही मौका है जब जबरदस्त प्रॉफिट कमाने का। आपको बता दूं, ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, प्रमोटर का कोई भी होल्डिंग पैलेस नहीं है। वहीं अगर सेल्स की बात करें तो इसके सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर गजब की उछाल हुई है। आपको बता दूं, कंपनी के प्रॉफिट में भी हर साल बढ़ोतरी हुई है। जरूरी बात यह है कि इससे छोटे निवेशकों को इसमें निवेश बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। दोस्तों, कंपनी बिल्कुल भरोसेमंद है। साथ ही कंपनी को जब खुद जबरदस्त प्रॉफिट हुआ हो तो वो अपने इन्वेस्टर को हर हाल में मालामाल करेगी, तो शुभ काम में देरी किस बात की। और लास्ट में सबसे जरूरी खबर, यदि घर बैठे आप भी शेयर मार्केट से रोजाना लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही फ्री डीमैट अकाउंट
ओपन करें और तैयार हो जाएं ऐसे कंपनियों से मुनाफा कमाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। चाहे आप ज़रोधा, अपस्टॉक्स या एलिस ब्लू, जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट लिया करते हैं, डिलीवरी एकदम फ्री है और इंट्राडे ना के बराबर ब्रोकरेज लिया करते हैं।